हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड दीपक कालरा एंड यू आर वाचिंग कैनेडियन वाइब्स। तो गाइस, अभी जैसे सितंबर शुरू होने वाला है एंड फॉल इनटेक में इंडिया से और बाहर की बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आने वाले हैं। दे विल बी ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कनाडा। कोई कैलगरी आएगा, कोई टोरंटो जाएगा, कोई और किसी प्रोविंस में जाएगा। तो मैं अपनी जो सीरीज ऑफ व्लॉग्स थे उसे शिफ्ट होके कुछ एक तीन चार पर्टिकुलर वीडियोज बनाना चाह रहा हूँ, जिससे जो लोग अभी आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे भाई बहन ही हैं, तो उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो उसी सीरीज में मेरी पहली वीडियो होने वाली है कि पैकिंग टिप्स फॉर कनाडा, कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें, एटलीस्ट जो जरूरी की चीज़ें अपने साथ आप कैरी करके लेके आ पाएं। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस नाउ, बिकॉज मेरे को आके यहाँ पे 5 महीने हो गए। मैंने कनाडा कैलगरी को अच्छे से देखा है, जरूरतें महसूस की हैं, कौन सी चीज़ मेरे पास इंडिया से होनी चाहिए थी या कौन सी चीज़ मुझे यहाँ पे आके मैं ले सकता था, मैं एक्स्ट्रा ले गया। तो वो सब चीज़ों से मेरे एक एक्सपीरियंस है, आप लोग को भी एक हेल्प मिलेगी कि जो गलतियाँ मैंने की या जो चीज़ें मैं अवॉइड कर सकता था अपने साथ मिलाना, कि वो आप अवॉइड कर सकें, अपना बैगेज को उसी हिसाब से मैनेज कर सकें। बिकॉज लाने के लिए तो आपके पास 2 ही बैगेज होते हैं, 46 प्लस में आपको 15 kg या 7 kg का आपके पास बैगेज अलाउड होता है। जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली की तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, हाँ, बट फैमिली की बनाई हुई चीज़ें या फैमिली का प्यार आप साथ में लेके आ सकते हैं अपने साथ। तो मैंने आपके बैगेज को मैनेज करने के लिए, ताकि आप इजीली अपना सामान कैरी कर सकें और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने इस पूरे बैगेज को पर्टिकुलरली 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है यूटेंसिल्स, आपके बर्तन जो आप लेके आएंगे। सेकेंड सेक्शन है ये आपके क्लोथिंग। मैंने भी अपने साथ साथ नोट्स बनाए हुए हैं कि ताकि मैं भी कोई चीज़ मिस ना करूँ, मैं नोट्स में से ही पढ़ के बोल रहा हूँ आपको। तो क्लोथिंग में हम समर क्लोथिंग की भी बात करेंगे, विंटर क्लोथिंग की भी बात करेंगे। एंड थर्ड हमारा आता है शूज का सेक्शन, शूज आपको कौन कौन से लेके आने चाहिए या नहीं लेके आने चाहिए। फोर्थ आपका ब्लैंकेट और बेडिंग से रिलेटेड है स्टफ, जो आप अपने साथ कैरी कर सकें। फिफ्थ आपका है फूड आइटम्स, कि आप यहां आ रहे हैं, आने के एटलीस्ट वीक और 10 डेज का खाने का आपके पास आप जुगाड़ हो, आप अपने आप से मैनेज कर सकें। आप इमीडिएटली बाहर शॉपिंग के लिए तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन इस हिसाब से रहेगी कि आप हर चीज को 60 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो नॉर्मली सब लोग करते हैं। एंड सिक्स वन इज मिसलिनियस स्टफ एंड अप्लायंसेस, लाइक आपका ट्रिमर हो गया, ये सब चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की हैं। एंड सेवन्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से कैरी करने चाहिए जो आपकी इमिग्रेशन में भी हेल्प करेंगे, जो आपके यहाँ आने के बाद आपको जरूरत पड़ सकती है जिन डॉक्यूमेंट्स की, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद यूटेंसिल सेक्शन। यूटेंसिल्स में आपको क्या क्या लेके आना चाहिए, तो गाइज यूटेंसिल्स में जो मैंने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आपको लेके आना चाहिए। आप प्रेशर कुकर उतना ही साइज का लीजिएगा जो आपके बैग में आराम से फिट हो जाए, 2 या 3 टाइम का अपना खाना बनाएं तो उसमें आप बना सकें, उतना ही बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा लेने का कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी इसमें चीज़ जो आती है प्रेशर कुकर के बाद में आती है, वो आती है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन 2 तरह की होनी चाहिए आपके पास, एक बड़े साइज की और एक छोटे साइज की। बड़े साइज वाले में आप खाना बना सकते हैं, फ्राइंग एंड ऑल दिस स्टफ कर सकते हैं, और छोटे वाले को आप कभी कोई खाना गर्म करना है या यू वांट टू डू समथिंग वेरी स्मॉल अमाउंट, मैगी बनानी है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप चाय पीने के, दूध पीने के शौकीन है, तो गाइज आपको अपने साथ टी पैन लेके आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो ये स्टील के बर्तन मिलते हैं, डॉलरामा से मिल तो जाते हैं, डॉलरामा से चीप भी मिलते हैं, बट वो क्वालिटी नहीं मिलेंगे, वो जल्दी टूट जाएंगे बर्तन, तो आपको क्या हुआ कि अननेसेसरी बार बार परचेज करते जाना पड़ेगा। तो गाइज, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हम इंडिया से बर्तन लेके आएंगे, वो यहाँ के स्टोव पे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो गाइज, आप जो भी बर्तन लाते हैं इंडिया से, मैं कुछ ऐसा स्पेशल खरीद के नहीं लाया था, मेरे पास जो सामान था मैं उसी में से ही लेके आया था, तो सब कुछ यहाँ पे चलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव रहता है, एंड इंडिया से लाए हुए सब बर्तन आराम से चल जाते हैं, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा, अगर आप रोटी बनाने में माहिर हैं, आपको रोटी खाने का शौक है, तो आप अपने साथ रोलिंग बोर्ड प्लस में रोलिंग पिन भी लेके आइएगा, चकला और बेलन लेके आइएगा। एंड उसके साथ आपके पास जो आप खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए सर्विंग के लिए जो आपको बर्तन लेके आना है अपने साथ में, तो आपको उसमें 2 प्लेट, 4 से 5 चम्मच, 4 से 5 आपके जो फोर्क हों फोर्क लेके आइए। देन आपके पास बाउल्स होनी चाहिए, छोटी और बड़ी दोनों साइज़ की होनी चाहिए, उसके साथ में 2-2 बाउल्स होनी चाहिए। देन
सर्विंग स्पून पर्टिकुलरली जिससे आप खाना बनाएंगे और सर्व यूज करेंगे, वो सब तरह के आपके पास होने चाहिए ताकि आपका ये जो पर्टिकुलर यूटेंसिल्स का जोन है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो गाइज अब बात करते हैं क्लोथिंग की। क्लोथिंग की एक चीज जो मैं पर्टिकुलरली आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जो यहाँ पे देखा पर्टिकुलरली लोग सारा साल हुडी और जॉगर्स में ही बता देते हैं, हुडी जॉगर्स एंड स्नीकर्स, यही इनकी यहाँ पे स्पेशलिटी है कि दे आर नॉट मच इन टू क्लोथिंग। हाँ पार्टीज वगैरह में होता होगा, देन आई हैव नॉट बीन टू एनी ऑफ द पार्टीज, बट हाँ यहाँ पे इतना कपड़ों को लेके ये नहीं है कि आप यहाँ आने के लिए पर्टिकुलरली बाहर से एक नई शॉपिंग करें, तो आपके पास जो कपड़े हैं वो लेके आइए। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले समर क्लोथ्स की। समर क्लोथ्स में जब आप आ रहे होंगे यहाँ पे तो फॉल चल रहा होगा तो ठंड का मौसम नहीं रहेगा, तो समर क्लोथ्स में पर्टिकुलरली आप राउंड कलर की ऐसी टी शर्ट्स लेके आए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो आप बाहर आराम से पहन सकें, एंड दिस इज द कैजुअल वियर विच एवरीबडी विल वियर अराउंड यू। तो आप इसके लिए बहुत पर्टिकुलर मत हो जाइएगा मुझे तो ये चाहिए या वो चाहिए, यहाँ तो यहाँ भी आने के बाद आप टी शर्ट ले सकते हैं। जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ये चार टी शर्ट आती हैं वॉलमार्ट से $15 की, $15 लाइक 900 रुपीज में आपको चार टी शर्ट मिलती है, एंड दे आर गुड। मैंने इतनी बार पहन चुका हूँ, ना ही अभी तक कहीं से फटी है ना ही कहीं से इसका कोई कपड़ा खराब हुआ है, दे आर गुड टी शर्ट। तो एक तो पहली टी शर्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको जीन्स लेके आनी चाहिए। जीन्स आपके पास लिवाइस की जीन्स अगर लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज लिवाइस की जीन्स जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, एंड इंडिया में जो लिवाइस की जीन्स मिलती है वो बहुत चीप मिलती है यहाँ के कंपैरिजन से, बिकॉज यहाँ पे एक लिवाइस की अगर जीन्स आप लेने के लिए जाओगे तो आपको $100 के आसपास खर्चा करना पड़ता है, वहीं आपको इंडिया में 3 से 3,500 में एक अच्छी लिवाइस की जीन्स मिल जाती है। जब लिवाइस की जीन्स आप लेंगे तो उसमें ब्लैक जीन्स जरूर लीजिएगा एक या दो, बिकॉज ये ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स आपको आपके वर्किंग कल्चर में काम आएगी, चाहे आप वॉलमार्ट में जॉब करें चाहे किसी और स्टोर में जॉब करें या कहीं भी आपको जाएंगे तो वर्किंग स्टफ जनरली ब्लैक होता है, बिकॉज ब्लैक जल्दी गंदा नहीं होता है, आपका मैनेज हो जाता है। उसके अलावा आपके कैजुअल शॉर्ट्स आप लेके आइए 2 से 3, नाइट वेयर्स लेके आइए 2 से 3, जो तरह के जिस तरह के कपड़े आप नाइट में पहनते हैं जो आपको पसंद है वो भी 2 से 3 पेयर अपने साथ लेके आ सकते हैं। एंड समर में आप स्पेशली शर्ट्स अगर लेके आ रहे हैं तो कैजुअल शर्ट्स लेके आइए, अगर आप पर्टिकुलरली कुछ ऑफिस या दूसरे पर्पस के लिए लेके आ रहे हैं तो आप एक दो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इन दैट लिस्ट पर्टिकुलरली कुड बी ब्लैक एंड वाइट, एंड उसके अलावा नॉर्मल जो लाइट कलर्स हो सकते हैं वो अपने साथ लेके आइए। बट मेरी अगेन एडवाइस है आपकी ज्यादा कुछ सामान बाहर से परचेज मत कीजिएगा। तो सेकंड आते हैं विंटर क्लोथिंग पे। तो विंटर क्लोथिंग में पर्टिकुलरली क्या है कि यहाँ का विंटर बहुत ज़्यादा हार्श होता है, अगर आप इंडिया से कुछ नया परचेज करके ला रहे हैं देन दैट वोंट बी सफिशियंट फॉर दिस वेदर। तो आपको यहाँ पे आके दो चीजें पर्टिकुलरली लेने ही पड़ेंगी, वो है आपकी विंटर जैकेट, सेकंड विंटर बूट्स, बिकॉज एक डेड फुट स्नो हो जाएगी तो उसमें वॉकिंग करने के लिए आपको वो चाहिए ही चाहिए, एंड जब आप जॉब करने जाएंगे या दूसरी चीज़ों में भी जाएंगे तो आपको विंटर बूट्स काम आते हैं। उसके अलावा आपके पास वार्मर्स होने चाहिए, वार्मर्स आप इंडिया से ले सकते हैं, नॉर्मल वार्मर्स खरीदिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या होता है कि सर्दी से बचने के लिए आपको लेयर्स पहननी पड़ती हैं। यहाँ की विंटर जैकेट लेंगे अगर आप, उसके नीचे आपके वार्मर्स रहेंगे, एक दो आपकी लेयर्स होंगी, तो दैट विल बी सफिशियंट फॉर दिस विंटर। तो आपके पास हुडीज पड़ी हैं तो हुडीज आप साथ में लेके आइए, हुडीज ज़्यादा मत पैक कीजिएगा 2 से 3, बिकॉज नहीं तो वो ज़्यादा फ्लफी होकर आपका सामान पैक नहीं हो पाएगा। चीज़ आती है इनर वियर्स एंड सॉक्स। तो गाइज आप यहाँ पे आके किसी घर में जा जाते हैं या आप आइसोलेटेड हाउसिंग है उसमें जा रहे हैं, 4-5 लोग मिलके घर रह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको हाउसिंग में वॉशिंग एंड लॉन्ड्री के पैसे नहीं लगते हैं, बट अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, जैसे मैं एक फ्लैट में रहता हूँ तो मेरे वन टाइम वॉशिंग का एंड ड्राइंग का मुझे $4.50 लगते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली आपके जो इनर वियर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप एटलीस्ट जब आ रहे हैं अपने इनर वियर्स एंड सॉक्स एटलीस्ट 15 days के अपने साथ लेके आइए, ताकि आप जब कपड़े धो रहे हैं तो आप 15 days के बाद ही कपड़े धोएं, ताकि बीच में आपका इन सब चीजों में मैनेज हो जाए, बिकॉज बाकी जो कपड़े हैं वो आपके इतने गंदे नहीं होते, स्वेटिंग वगैरह तो होने के बहुत कम चांसेस हैं, हवा चलती रहती है गर्मियों में, एंड विंटर में तो स्वेटिंग होने का कोई मतलब नहीं है, तो बाकी कपड़े आपके ठीक ठाक चल जाते हैं। जो आपके इनर वियर्स हैं, इनर वियर्स आप सफिशियंट नंबर्स में लेके आए, चाहे तो आप उसको 3 weeks में भी लेके आ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज अब बात करते हैं शूज़ की। शूज़ में पर्टिकुलरली मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपके पास स्पोर्ट्स वियर अगर वहाँ पे घर पे पड़े हैं तो लेके आइए, अगर एक एक्स्ट्रा पेयर लेना है तो स्केचर्स वगैरह का आप ले सकते हैं, जो आपके यहाँ पे वर्किंग के लिए आपको जॉब के लिए काम आएगा, एंड ब्लैक ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके काम के साथ एंड कॉलेज के साथ मैनेज हो जाएगा, ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप 2 पेयर स्नीकर्स और 2 पेयर स्पोर्ट्स शूज़ लेके आइएगा, अपने साथ कोई भी फॉर्मल शूज़ मत लेके आइएगा, बिकॉज आपकी जॉब एंड
उसके बीच में बहुत सारा टाइम रहेगा, तब तक यू विल बी अर्निंग गुड एंड आप अपने लिए एक पेयर तो खरीद ही पाएंगे अच्छा सा क्वालिटी का यहीं के हिसाब से। तो आप सिर्फ स्नीकर्स एंड शूज लेके आइए, और वो भी जो आपके साथ घर पे पड़े हों। अगर एक्स्ट्रा पेयर अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो स्केचर्स का कोई भी अच्छा पेयर खरीद सकते हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो गाइज, अगर आप जैसे फॉल में आ रहे हैं तो फॉल के बाद ही डायरेक्टली विंटर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि आपको ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी। जनरली सब हीटेड रहता है, बट किसी किसी लोकेशन में ऐसा हो जाता है कि रात को हीटेड होने के बाद भी ठंड लगती है। तो आप अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट जरूर लेके आइएगा, ये मेरी एडवाइस है पर्सनली, बिकॉज मैं भी अपने साथ लेके आया था। तो आप एक ब्लैंकेट जरूर लेके आइएगा, लाइट एंड अच्छी क्वालिटी के बहुत सारे ब्लैंकेट्स मिलते हैं पर्टिकुलरली हमारे हरियाणा एंड पंजाब में। यहाँ तक कि बेडिंग का हिसाब किताब है, तो बेडिंग के लिए आप अपने साथ में एक डबल बेडशीट और एक सिंगल बेडशीट लेके आएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, वो आपका काम हो जाएगा उससे। इसके अलावा अगर आप पिलो लाना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत सस्ते में वैक्यूम पिलोज बनते हैं जो आप अगर ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आप अपने साथ वहां से ला सकते हैं, बिकॉज ये चीजें यहाँ पे ब्लैंकेट बेडशीट बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें बहुत कॉस्टली है, एंड आने के बाद आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड मनी ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो ये छोटी छोटी चीजें आप आराम से पैक करके लेके आ सकते हैं। अगर आप पैक ना कर पाए तो मम्मी की हेल्प लीजिएगा, तो शी विल पैक इट वेरी ब्यूटीफुली फॉर यू। तो गाइज, इसके बाद बात करते हैं फूड आइटम्स की। तो आप घर से छोड़ के आ रहे हैं तो घर में जो मम्मी आपको सामान दे तो जितना हो सके आप साथ में लेके आइएगा, बिकॉज उसके बाद क्योंकि वही सॉरी क्योंकि वही प्यार आपके साथ आता है उसके बाद। तो उसके बाद तो आपको बहुत दिन हो जाएंगे मिलते हुए, तो सबसे पहले सॉरी गाइस। तो गाइस, खाने का जहाँ तक है कि आप अपने साथ उतना खाना जरूर लेके आइए, खाने का सामान लेके आइए जहाँ जिसमें आपका एक हफ्ता 10 दिन एटलीस्ट मैनेज हो जाए यहाँ पे आने के बाद। तो उसमें जो आप अपने साथ चीज़ें कैरी कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अपने बैगेज के हिसाब से आप मेंटेन कीजिएगा, आप राइस जरूर लेके आइएगा साथ में, बिकॉज राइस बहुत ईजी है बनाना, एंड राइस के साथ कोई ना कोई दाल जरूर पैक कीजिएगा ताकि आप एटलीस्ट खिचड़ी बना के अपने लिए स्टार्टिंग में खा पाएं। मैगी लेके आइएगा, पोहा लेके आइएगा, देन सेवियाँ होती हैं, सेवियाँ बहुत ईजी है बनाना, वो साथ में लेके आइएगा। इसके अलावा स्नैक्स जो आपको पसंद है या घर पे बना अचार है वो सब चीजें अपने साथ में जरूर कैरी कीजिएगा। कोई बिस्किट्स आपके पर्टिकुलरली पसंद है कुछ टाइम बीइंग के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है वॉलमार्ट में। मैं एक वीडियो और भी बना रहा हूँ जिसमें आपको पर्टिकुलरली पता चलेगा कौन कौन से सेक्शन में जाके आपको कौन कौन सी चीजें मिल जाती हैं। तो ये सब आप जरूर लेके आएगा, चाय पत्ती आप जरूर पैक कीजिएगा, एंड कुछ पर्टिकुलरली मसाले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में छोटे छोटे पैक्स आते हैं 5-5, 10-10 रुपए के, वो पैक्स जरूर लेके आएगा, बिकॉज इजीली कैरी भी हो जाएंगे आपके बैगेज में एंड आपके पास ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। एंड ये जब आप मसाले पैक करेंगे तो याद रखिएगा शुगर एंड सॉल्ट कोई भी वाइट चीज़ अपने साथ में नहीं लाइएगा। तो गाइज, 6th पॉइंट है जो मेरी लिस्ट में, वो है मिसलिनियस अप्लाइंसेस, मिसलिनियस आइटम्स, आपकी ग्रूमिंग किट, ये सब आप जरूर लेके आइएगा साथ में। उसमें क्या क्या लिस्टेड आइटम्स हैं, आपका ट्रिमर, बिकॉज ट्रिमर आप ऐसा लीजिएगा कि जिससे आप चाहिए तो कभी कभी हल्की फुल्की बालों की भी ट्रिमिंग करनी हो तो आप कर सकें, बिकॉज यहाँ पे हेयर कटिंग के लिए रफली $30-35 लगते हैं एक अच्छे बार्बर के पास अगर आप जाके अपने बाल कटिंग करवाएंगे। इसके साथ साथ आपकी ग्रूमिंग किट में जो आता है आप अपने लिए स्टार्टिंग के लिए सोप, ऑयल, शैम्पू, ये सब साथ में कैरी कीजिएगा, कॉम्ब लेके आइएगा, देन टूथपेस्ट, टूथब्रश, एंड स्टार्टिंग के यूज़ के लिए मॉइस्चराइजर, स्टार्टिंग के यूज़ के लिए आपकी सनस्क्रीन, एंड ऐसा कोई पर्टिकुलर सामान जो अपना आप ग्रूमिंग में कवर करते हो लाइक नेल कटर, वो सब आप साथ में लेके आइएगा। तो गाइस, इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको अपने साथ में कैरी करने हैं। मैं जब आया था तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जो इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो, एक मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स जो मुझे लगता था मुझे जरूरत होगी बट अभी तक जरूरत नहीं पड़े हैं, एक वो लिस्ट बनाई थी। थर्ड, मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो मुझे चाहिए थे लाइक मेरा पासपोर्ट है या मेरी डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब चीज़ें मैंने कैरी किए थे। तो गाइस, अगर आप देख रहे हैं तो वो मेरे पास मेरे फोल्डर अभी तक पड़े हैं, आप भी इस हिसाब से फोल्डर बना सकते। तो इस फोल्डर में मैंने सबसे पहले फोल्डर में रखा था मेरी इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप एक लिस्ट बना लीजिए। मैं बोलता हूं, सबसे पहले मेरा यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मैंने इस लिस्ट में रखा था, देन डेफरल लेटर मैंने रखा था बिकॉज मैंने अपना एडमिशन 1 साल डेफर किया था यूनिवर्सिटी से, तो वो डेफरल लेटर मेरे लिए जरूरी था, आपके लिए शायद ना हो। तो थर्ड है आपका एनरोलमेंट लेटर,
फिर यूनिवर्सिटी पेमेंट रिसिप्ट, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इमिग्रेशन के टाइम पे कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो ये सेफ्टी के लिए आपको रखने हैं अपने पास में। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री, वो मैंने रखा था। GIC, ई मेडिकल सर्टिफिकेट रखा था, मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखा था मैंने, एंड प्रूफ ऑफ फंड्स जो मैंने लेके आया था, अगर इन केस वो मेरे से पूछते कि भाई आपके पास क्या प्रूफ ऑफ फंड्स है, हाउ यू विल बी मैनेजिंग योर स्टडीज एक्सेप्ट GIC, तो मैंने अपने लिए एक प्रूफ ऑफ फंड्स का एक मैंने डॉक्यूमेंट था वो भी मैंने रखा था, एक RT-PCR टेस्ट रिजल्ट उस टाइम पे जो जरूरी था वो मैंने रखा था। तो गाइज इसके अलावा जो मैंने एक फोल्डर बनाया था वो बनाया था मैंने मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स का। तो मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स में क्या था मेरा, मैंने एक ऐसा दूसरा फोल्डर रखा था दूसरे कलर में, तो मैंने पेजेस नंबर भी लिखे थे कि कौन कौन से पेज पे मैंने कौन कौन सा रखा है, बिकॉज मैं जस्ट उनको फटाफट निकाल के दिखा सकूँ अगर मुझे ज़रूरत हो तो। तो ये मिसलिनियस डॉक्यूमेंट जो मैंने अपने साथ कैरी किए थे, तो पहले नंबर पे था मेरा बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो वो मैंने रखा था साथ में, बायोमेट्रिक कंफर्मेशन लेटर रखा था, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर रखा था, स्टडी गेयर इंश्योरेंस, क्योंकि मैं जब आया था वहाँ पे उस टाइम कोविड चल रहा था, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था सेप्टेम्बर 2021 में, बट मैं यहाँ आया था फेब्रवरी 2022 में, तो मैंने एक इंश्योरेंस अपने लिए अपनी यूनिवर्सिटी से जो सबको मिलता है, तो मैंने उसका डॉक्यूमेंट मंगा लिया था यूनिवर्सिटी से कि मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दो, कल को मुझे ऑफिसर पूछेगा कि तुम्हारा इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं है अभी तक, तो एटलीस्ट मैं दिखा सकूं, इट इज जस्ट ए प्रिकॉशनरी डॉक्यूमेंट। देन ट्रैवल इंश्योरेंस, तो गाइज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी पहले ही, मैंने बताया था कि आप जब आ रहे हैं जब तक आपकी यूनिवर्सिटी से आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट होता है तब तक एटलीस्ट आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आइएगा, भगवान न करे आपको छोटी सी भी चोट लग जाएगी तो यहां पर बहुत खर्चा होता है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मेरा क्वारंटीन प्लान था उसमें, तो क्वारंटीन प्लान अभी तो आपको जरूरत नहीं है, उस टाइम जब मैं आया था तो क्वारंटीन प्लान की जरूरत पड़ी थी। देन अराइव कैन एप्लीकेशन, अभी आप IRCC की वेबसाइट में जाके चेक कीजिएगा, अराइव कैन की जरूरत शायद अभी नहीं है, उस टाइम पे जरूरत थी। देन थर्ड जो मैं लेके आया था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ में, इससे आपको दिख रहा होगा मेरी डिग्री सर्टिफिकेट है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं साथ लेके आया था कि कल को मेरी ग्रेजुएशन के बाद में मुझे अगर जरूरत पड़ेगी और मेरी कंपनी में दिखाने के लिए या किसी भी चीज़ से, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ मैंने लेके आया था। तो उसमें मेरी 10th and 12th की मार्कशीट थी, ओरिजिनल मार्कशीट्स मैं लेके आया था, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट मैं लेके आया था, देन मेरी IELTS का स्कोर की जो रिसिप्ट थी वो लेके आया था। देन मैंने वहाँ से इंडिया से जब आया था तो मैं रफली $2,000 लेके आया था मेरे साथ कैश में, बिकॉज भगवान न करे मेरे को कोई ज़रूरत पड़ती है या कुछ है स्टार्टिंग में, जब तक मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा तो कुछ स्टफ लेना पड़ता है, तो $2,000 मैं लेके आया था, आप भी लेके आ सकते हैं। तो उसकी रिमिटेंस स्लिप अपने साथ में रखिएगा ताकि कल को आपको आके कोई पूछे कि भाई ये कैश कहाँ से आया, तो एटलीस्ट यू हैव दिस प्रूफ विद यू कि आप इंडिया से ये पैसे लेके आए थे। देन द DL एक्सट्रैक्ट, तो DL एक्सट्रैक्ट अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जनरली DL एक्सट्रैक्ट आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, फिर भी अगर आपने DL एक्सट्रैक्ट आपको नहीं मिला है तो कोई डरने की बात नहीं, आप इंडियन लाइसेंस साथ में लेके आइएगा। जब आप यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं, जब यहाँ पे आके आप Class 7 लर्निंग लाइसेंस लेते हैं, तो इंडियन लाइसेंस आपको सबमिट करना पड़ता है, बिकॉज एज पर कैनेडियन रूल्स आपको आप अपने साथ में 2 लाइसेंस कैरी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो इंडियन लाइसेंस था वो सबमिट कर दिया था। तो गाइस आप अपने इंडियन लाइसेंस लेके आइएगा। तो गाइस इंडियन लाइसेंस लाने का यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि इंडियन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, जब से आपका इंडिया में लाइसेंस बना होता है तब से लेके अब तक का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होता है, एंड वो लोग वेरिफिकेशन के लिए भी भेजते हैं जब आप अपना लाइसेंस वहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे अगर मैं अल्बर्टा की बात करूँ तो अल्बर्टा में GDL नॉन GDL दो तरह के लाइसेंस होते हैं Class 5 में, ऑन्टेरियो वगैरह में G1 G2 होते हैं। तो अगर आप एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो ये लाइसेंस वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप इंडियन लाइसेंस के एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू कैन बी एलिजिबल फॉर एडवांस्ड लाइसेंस। तो गाइज एक चीज जो इस पूरी लिस्ट में रह गई है वो है मेडिसिन। अगर आपको लगता है कि आपको आने के बाद किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की जरूरत हो सकती है तो अपने साथ वो मेडिसिन आप थोड़ी क्वांटिटी में लेके आ सकते हैं, बट लेके आने के साथ में आप जो भी मेडिसिन लेके आए, चाहे बुखार के लेके आ रहे हैं, चाहे खांसी के लेके आ रहे हैं, चाहे जुकाम के लेके आ रहे हैं, चाहे एलर्जी की मेडिसिन लेके आ रहे हैं, चाहे विटामिन कैप्सूल्स क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, वो सब मेडिसिन की आप प्रॉपर रिसिप डॉक्टर से बना के, प्रॉपर स्लिप बना के, प्रॉपर बिल बना के साथ में लेके आ सकते हैं, तो ही लेके आएगा। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या रिसिप्ट हो, नहीं तो मत लेके आएगा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट थ्रू YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, एनी मोड ऑफ चैनल। सो मेरी पर्सनली ये विश है कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप एयरपोर्ट पहुँचने के बाद
आप अपने लिए घर कैसे ढूंढेंगे, या आपके पास ऑप्शंस क्या हैं इंडिया से बैठे बैठे घर ढूंढने के, कैसे आप बात कर सकते हैं लोगों से, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एयरपोर्ट से, अगर आपने घर फाइनल कर लिया है तो वहां तक अपनी लोकेशन तक कैसे पहुंचेंगे, सबको मालूम है टैक्सी, टैक्सी के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। सो गाइस स्टे कनेक्टेड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर द डे, टेक केयर, रब रखा।